भाजपा ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 78 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में 90 में से 78 सीटों के उम्मीदवारों के नाम घोषित करते हुए बताया कि पहले चरण के चुनाव की 18 सीटों पर प्रत्याशी तय किए गए हैं। उनमें 14 महिलाएं हैं, 25 उम्मीदवार 40 वर्ष से कम उम्र के युवा हैं। इसके साथ ही 53 किसानों पर भी भाजपा ने बड़ा दांव खेला है। मुख्यमंत्री रमन सिंह राजनांदगांव से चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कांग्रेस के बागी रामदयाल उइके और पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा की पहली सूची में मंत्री रमशीला साहू को दुर्ग ग्रामीण से उम्मीदवार नहीं बनाया गया। अनुसूचित जनजाति की 29 और अनुसूचित जाति की 10 सीट के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। उसमें जो फर्स्ट फेज है जिसमें नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख 23 है, तो उसके 18 सीट्स हैं, उसमें से हम 17 सीट्स को आज डिक्लेयर कर रहे हैं। हम जानते हैं कि चुनाव में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय रमन सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं और उनके साथ साथ जो हमारी टीम है वह चुनाव लड़ रही है। छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के जो अभी तक 77 सीट्स हमने डिक्लेयर की हैं, उसमें 14 सीटें महिलाओं को हैं, 14 सीट्स, 25 सीट्स हैं जो 40 वर्ष से नीचे के प्रत्याशी हैं, यूथ हैं, और अनुसूचित जनजाति 29 सीट्स, अनुसूचित जाति 10 सीट्स, किसान महिला प्रत्याशी 14 हैं, युवा 25 हैं जिनकी उम्र 40 साल से नीचे है, अनुसूचित जनजाति 29 सीट्स, अनुसूचित जाति 10 सीट्स, किसान बैकग्राउंड के जो प्रत्याशी हैं वह 53 हैं जो किसान बैकग्राउंड के हैं, प्रोफेशनल्स में डॉक्टर मेडिकल डॉक्टर्स 3 हैं और एक पूर्व आईएएस अधिकारी, वह भी चुनाव के मैदान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के पिछले विधानसभा चुनाव में हारे 12 नेताओं को इस बार फिर टिकट दिया है। इसमें रजनी त्रिपाठी, सिद्धनाथ पैकरा, विजयनाथ सिंह, अनुराग सिंहदेव, ननकीराम कंवर, शुभाऊ कश्यप, डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी, नंदकुमार साहू, चंद्रशेखर साहू, कोमल जंघेल, लता उसेंडी, भीमा मंडावी, धनीराम बारसे। लेलुंगा से विधायक सुनीति राठिया का टिकट काटकर पति सत्यानंद राठिया और चंद्रपुर से विधायक युद्धवीर सिंह जुदेव का टिकट काटकर उनकी पत्नी संयोगिता सिंह जुदेव को टिकट दिया गया है। नए चेहरों में छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष हर्षिता पांडे, पूर्व आईएएस ओपी चौधरी, प्रोफेसर गोपाल राम भगत, लीवनव राठिया, विकास महतो, रंजना साहू, चंद्रिका चंद्राकर, हीरेंद्र साहू, कमल माला भू आर्या, हीरा मरकाम, हरिशंकर नेता, मोनिका साहू, रजनीश सिंह शामिल हैं। हमारे विशेष संवाददाता संजीव पचौरी ने बताया कि राजनांदगांव के टिकट वितरण के बाद आज शहर के मानव मंदिर चौक में राजनांदगांव लोकसभा के सांसद अभिषेक सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ फटाके फोड़े। इस अवसर पर सांसद ने जिले के सभी 6 सीटों पर विजय हासिल करने की बात कही। अभिषेक सिंह ने बताया कि 23 तारीख को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उम्मीदवार नामांकन भरेंगे। 6 सीटों में राजनांदगांव विधानसभा के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, डोंगरगांव से मधुसूदन यादव, खुज्जी से हीरेंद्र साहू, मोहला मानपुरा से कंचन माला भुआर्या, डोंगरगढ़ से सरोजनी बंजारे, खैरागढ़ से कोमल जंघेल चुनाव मैदान में हैं। नामांकन का कार्यक्रम उसके पहले भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी सभा है और उस सभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी स्वयं उपस्थित रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कद्दावर नेता हमारे जिले में आ रहे हैं, हमारे पूरे कार्यकर्ताओं को और इस क्षेत्र की जनता को संदेश देने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि 23 तारीख का कार्यक्रम ऐतिहासिक रूप से सफल होगा और 23 तारीख से ही जिले की 6 विधानसभा सीटों में जीत के लक्ष्य को लेकर कार्यकर्ता अपनी तैयारी से जुट गए हैं। छत्तीसगढ़ की चुनाव में प्रत्याशियों की सूची
अंकित हो गई है। इस पर हमारे विशेष संवाददाता संजीव पचौरी प्रकाश डालेंगे। संजीव जी, प्रत्याशियों की सूची प्रकाशित हो चुकी है, कौन प्रत्याशी हैं, कौन बागी हैं और कौन कितने पक्ष में है? बता दूं आपको कि अभी भारतीय जनता पार्टी में किसी भी सीट पर बगावत की स्थिति निर्मित नहीं हुई है जी। और राजनांदगांव जिले में 6 सीटें आती हैं जिसको कि लगभग अभिषेक सिंह जो सांसद है वहाँ के वही इसको लीड करेंगे। और आज काफी उत्साह के साथ इन्होंने फटाके फोड़े हैं और ये दावा किया है कि वो 6 सीट पूरी वहाँ जीतेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ छत्तीसगढ़ आएंगे और नामांकन के समय वो उपस्थित रहेंगे, तो ये एक उत्साहजनक स्थिति रहेगी वहाँ पे और भारतीय जनता पार्टी काफी उत्साह है इस बात को लेकर। जी जी संजीव, बड़ी बात है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में नामांकन फॉर्म भरने के समय पे साथ रहेंगे, ये इनको कितना लाभ देगा? देखिए, छत्तीसगढ़ एक धार्मिक तौर पे काफी धार्मिक प्रदेश है ये और धर्म से काफी अच्छा वास्ता रखते हैं यहाँ के लोग और काफी सहिष्णु भी हैं, तो योगी आदित्यनाथ से कहीं ना कहीं लोकप्रिय है छत्तीसगढ़ में और उनके आने से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक अच्छा माहौल बन सकता है जी। बिल्कुल, शुक्रिया संजीव जी पूरी जानकारी देने के लिए।